26 अगस्त 1925 को जन्मे उर्गेन संघरक्षिता आज 93 वर्ष के हो चुके हैं। उर्गेन संघरक्षिता ने अपना जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में न्यौछावर कर दिया है। उनके द्वारा स्थापित की गई संगठना त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। ऐसे ही त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नागलोक नागपुर में उर्गेन संघरक्षिता का जन्म उत्सव रविवार को मनाया गया। इस उपलक्ष में कई बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने उर्गेन संघरक्षिता को ध्यान के माध्यम से, गीतों के माध्यम से और कविताओं के माध्यम से उनके जन्मदिन की बधाइयां दी। ना संसार के प्रवाह में, ना निर्वाण के स्थिरता में, ना संसार के प्रवाह में, ना विचार, ना विचार शब्द एवं श्रुति में, मेरी जगह आपके चरणों में, मेरी जगह आपके चरणों में, ना निर्वाण के स्थिरता में, ना संसार के प्रवाह में, ना निर्वाण के स्थिरता में, ना संसार के प्रवाह। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे धर्माचारी मणिधम्म, इन्होंने अपने वक्तव्य में उर्गेन संघरक्षिता के अविस्मरणीय कार्यों को याद किया और उनके गुरुओं के बारे में जानकारी दी। जो उर्गेन संघरक्षित जी ने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जैसे एक संघ की स्थापना की है और इस माध्यम से पूरे विश्व में वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे और एक आदर्श धम्म जीवन जीने का नमूना लोगों के सामने उन्होंने रखा है। तो उर्गेन संघरक्षित जी भी जो है वो कुशीनारा गए और वहाँ पर उनकी बौद्ध धर्म में भिक्षु की दीक्षा हो गई, यानी उसको जो श्रामनेर दीक्षा बोलते हैं वो उनकी पहली श्रामनेर दीक्षा हो गई और इस प्रकार से उनका बौद्ध धर्म में एक अधिकृत तरीके से उनका प्रवेश हो चुका था। और वो उनके गुरु थे, वो थे भिक्षु जगदीश कश्यप जी। तो ऐसे जो जगदीश कश्यप जी है उनके साथ में संघरक्षित जी लगभग साल भर तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहे, उनके कैंपस में, उनके क्वार्टर में, और वहाँ पर रहकर उन्होंने उनके साथ में पाली भाषा का अध्ययन किया। 20वीं शती के सबसे बड़े बड़े जो तिब्बती गुरु है वो वहाँ रह चुके हैं, वो वहाँ रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े महान गुरुओं के संपर्क में आने का जो अवसर है संघरक्षित जी को कैलिंगपोंग में रहते हुए आया है। संघरक्षित जी का मानना था कि दारदुर रिम्पोचे के साथ उनका जो संपर्क हो गया है उससे उनको एक नया बौद्ध धर्म की तरफ देखने का दृष्टिकोण मिला है, क्योंकि कैलिंगपोंग में उनको और लगभग 8 गुरुज मिले वहाँ पर, मतलब 8 वहाँ पर बड़े बड़े जो लामाज है उनका उनसे संपर्क आया है। और बौद्ध धर्म की उनकी जो समझ है संघरक्षित जी की वो और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो समझ है उसमें कोई भी फर्क नहीं है। उनका जो किताब है अम्बेडकर एंड बुद्धिज़्म, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बौद्ध आंदोलन की तरफ देखता हूँ तो मेरी खुद की जो बौद्ध धर्म की जो समझ है वो और डॉक्टर अम्बेडकर की जो समझ है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं तो एक तरीके से दुनिया के कई बड़े देशों में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ द्वारा उर्गेन संघरक्षिता का जन्मदिन मनाया जाता है और हर वर्ष उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं ताकि बौद्ध धर्म दुनिया में शांति का मार्ग दिखाता रहे।